क्षेत्र में जो लंबे समय तक काम करता है, बहनों भाइयों, उसके दामन पर भ्रष्टाचार की दाग लग जाती है। लेकिन भारत महाराष्ट्र ही नहीं, भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, एक ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला हुआ है और आगे के लिए इस बार हम चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के साथ। हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। पहले अलग अलग लड़ गए थे, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी हम लोगों ने मिलकर सरकार बना ली है। कोई कह रहा था कि 200 के पार इस बार हम लोगों को जीतना है। मैं कहता हूं भाजपा शिवसेना यदि युति मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है तो बहनों भाइयों 200 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि 250 प्लस का आंकड़ा लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को मैदान में जाना चाहिए कि हम 250 सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे और पुनः यहां पर भाजपा शिवसेना युति की सरकार बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी पुनः हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।